वही चुनाव के दौरान किसी नेता के रिश्तेदार पर वोटरों को नोट बांटने के आरोप लग रहा है, दरअसल वो भी नकली नोट, तो चर्चा होगी ही। ऐसे ही एक मामला कांकेर में दर्ज हुआ है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार के रिश्तेदारों को नकली नोट बांटने के आरोप में हिरासत में लिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय नगर की है, जहां से पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शकील को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने मतदान के दौरान नकली नोट बांटते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी और उसके पास नकली नोट कहां से आए ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। ये पहले भी ऐसे बांट चुके हैं क्या? पहले भी बांटा होगा। कितना बांट चुके बता रहे कुछ? ये नहीं मालूम कितना बांट चुका है। इसके जेब से हम 10-12 नोट निकाले जो बचे हुए थे, गड्डी लेके बांट रहा था, वो नकली नोट। हाँ, नोट नोट 50 का था, 100 का था, क्या कर रहा हूँ? 50। तो नोट नकली निकलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चुनावी माहौल में वो इन नोटों को लोगों को बांट रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ वरासा होता सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, नकली नोट बरामद किए गए हैं एक आरोपी से, क्या इस बात का पता लगा पाई है पुलिस के उसके पास ये नोट कहाँ से आए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि संजय नगर पार्ट में आरोपी को सबके हाथ कांग्रेस द्वारा पकड़ा गया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम थाने लाकर बुलाई गई है। वही जिले के पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद से अब तक जांच चल रही है। लंथिंग आई बाहर से थे, जिसके बाद एसपी राज पटेल के कारण है कि बात खुलासा हो पाएगा। अभी तक तो जांच तक ही आरोपी युवक से पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि कितने लोगों को अब तक ये नोट बांटे जा चुके हैं? जी, उनका साफ यह कहना है कि यह नोट मेरे द्वारा नहीं दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय वोटर थे उन्होंने बताया कि यह नोट नकली नोट है, जो कि शकील मेमन के द्वारा ही हमें दिया गया था। और यह कहा गया था कि अभी ये नकली नोट दे रहे हैं, उसके बाद जैसे चुनाव जीतते हैं उसके बाद उसके पास पहुंचने से 2,000 रुपये उनके द्वारा दिया जाएगा। अभी तक चुनाव से पहले लगभग कितने ऐसे फर्जीवाड़े के मामले दर्ज हो पाए हैं? चुनाव से पहले तो ऐसे संख्या में अब तक यह पहला मामला है जो कि नकली नोट वाला था। जहाँ चुनाव से पहले इनके द्वारा वार्ड के प्रत्येक घरों में जाकर वहाँ 50 रुपए के नकली नोट इनके द्वारा दिया जा रहा था कि वहाँ भाजपा के उनके। इसके अलावा क्या क्या अभी तक बांटा जा चुका है? इस तरीके के और मामले सामने आए होंगे, चाहे वो साड़ी हो या पैसे हो, क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए हर तरीके की कोशिश प्रत्याशियों द्वारा की जाती है, तो ऐसे कितने मामले सामने आए होंगे सुशील? इस तरह से मामले तो अब तक इस तरह रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदरूनी मानी जाए लोगों की चर्चा हमेशा बने रहती है कि इस बार में यहाँ साड़ी मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, इस तरह के, लेकिन यह मामला तो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो चुनाव से पहले प्रत्याशियों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी का एक रिश्तेदार नोटों को बांट रहा था, लेकिन नोट बांटे तो बांटे, वो नकली निकले, ये बड़ा सवाल है कि इस व्यक्ति के पास ये नकली नोट आए कहां से। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण राठौर जी, बहुत स्वागत आपका। जी जी, धन्यवाद जी। कृष्ण राठौर जी, आपके संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी का एक रिश्तेदार नकली नोट बांट रहा है, क्या कार्रवाई उस पर अब तक हो पाई है और क्या पूछताछ में खुलासे हो पाए हैं? ये नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो कांकेर है, वहाँ का जो संजय नगर वार्ड है, वहाँ का जो प्रत्याशी है, उनके एक रिश्तेदार है, 50-50 रुपए का नोट जो है बांट रहे थे लोगों में। उनकी सूचना मिली थी तो हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची थी, उनको जो बांट रहे थे उनको भी, और जो नोट मिला था उनको भी लेके आए हैं अभी।
इस संबंध में जो नोट है वो सही है गलत है इस संबंध में अपन भेजे हुए हैं उसका जांच कर रहे हैं, और जो भी जो बांट रहा था उनको और जो जिनको जिनको बांटे हैं उनके संबंध में भी जांच करके पूछताछ करके उसमें कथन वथन ले रहे हैं अभी। जी इस तरीके के या इससे मिलते जुलते और कितने मामले सामने अभी तक आए हैं, चाहे वो साड़ी बांटने को लेकर हो, क्योंकि ऐसी सुर्खियां लगातार बनी हुई थी, तो इस तरीके के लगभग कितने मामले सामने आए होंगे चुनाव से पहले? कांकेर जिले में तो ये अभी तक का पहला प्रकरण है ऐसे लड़ाई झगड़ा का, दो चार बार ऐसा सूचना मिला था जिसपे कार्रवाई किए हैं। बाकी इस प्रकार से पैसे बांटने के संबंध में या कोई भी सामान बांटने के संबंध में जिले का ये पहला मामला है जिसमें विधिवत जांच करके कार्रवाई की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए राठौर जी, और स्वराज सवाता भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।